channel. I hope you guys are doing good. I'm also doing great. And I'm Ansi. And if you're new to this channel, please take a moment to subscribe to my channel below. And so starting off, guys, मैं पटनी टॉप आ चुकी हूँ. I hope आप लोग वैष्णो देवी वाला व्लॉग देख चुके हो. वैष्णो देवी वाली जो व्लॉग था वो बेसिकली वॉज ऑल अबाउट वॉट माई पेरेंट्स वॉन्टेड टू एक्सप्लोर. बट ये वाला होगा मेरे बारे में, बिकॉज ये दिस इज मोर ऑफ माई काइंड ऑफ प्लेस. तो द ओवरऑल अभी तक काफ़ी प्रिटी प्लेस है. बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, रूम अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा है, व्यू इज अमेजिंग. एंड उसके अलावा कुछ नहीं. आज मम्मा का बर्थडे है. मैं पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने सुबह क्या किया था. एंड उसके बाद अब हम पटनी टॉप आ गए. रास्ता भी बहुत प्यारा था, काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज दिखे. मेरे को तो पहाड़ों से पहले ही प्यार रहता है, कि मेरे को तो सारे व्यूज से प्यार हो जाता है. बट मेरे को ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है. मेरे को लगा था पटनी टॉप थोड़ी ओवररेटेड जगह है, बट सीन्स लाइक कि इट्स अ वेरी प्रिटी प्लेस. मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे. कि मम्मा का बर्थडे है एंड यहाँ पे कहीं पे भी केक अवेलेबल नहीं है. हम लोगों ने फिर भी कलाकंद ले लिया था, बिकॉज कलाकंद इज बेसिकली मिल्क केक. एंड हमने सोचा था कि अगर कुछ नहीं मिलता तो हम वही कटवा देंगे. बट अभी मैं और ईशानी जा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे शेफ से एंड ट्राई करेंगे कि इफ वो हमारी रिक्वेस्ट पे एक केक बना सके. तो एंड तब तक के लिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ. So this is the front lawn, काफ़ी pretty. And ये मेरी family एकदम कोने में बैठी हुई है, पता नहीं क्यों. Hello कर दो यार, बेइज्जती क्यों करते हो? बेइज्जती क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब तू कैमरा लेके आ जाती है. तुझे इतने अच्छे फ्लावर्स हैं, सब पूछा तू उसका तो ले नहीं रही. क्या पीछे बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं? हाँ हाँ सब ले रही हूँ. Hi guys, so sorry मैं आप लोगों को सुबह से कोई अपडेट नहीं दे पाई, बिकॉज सब कुछ थोड़ा वो हो गया था अपसाइड डाउन. बिकॉज हम लोग बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में हैं. यहाँ पे कोई जगह है वहाँ पे थोड़े दंगे वंगे स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से कर्फ्यू वगैरह लग गया था एंड इंटरनेट सर्विस वगैरह सब कुछ बंद हो गई थी. एंड अब मैं फाइनली आ गई हूँ नथू टॉप पे. दिस इज़ बेसिकली अ 360 डिग्री व्यू पॉइंट. ये बहुत बहुत प्यारी जगह है. यहाँ पे अराउंड 500 मीटर्स का ट्रैक था जो मैं करके आई हूँ. एंड मेरे साथ थोड़ी सी बीटी भी हो गई, जिसकी वजह से मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि आई कैरीड अ लॉट ऑफ कैमरा इक्विपमेंट्स विद मी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अच्छा एकदम बहुत ही बढ़िया सिनेमैटिक कंटेंट क्रिएट करूँ. बट मेरा जो मेमोरी कार्ड था, सिंस मेरे को उसमें से चीज़ें बार बार ट्रांसफ़र करनी होती है हार्ड ड्राइव में, तो मैंने वो निकाला था और मैंने इस हानी के बैग में वो रखवाया था अपने वॉलेट में रख के. एंड उसने वहाँ से वो वॉलेट निकाल दिया अपने बैग से एंड हमें यहाँ आके पता चला दैट मेमोरी कार्ड नहीं है हमारे पास. तो थोड़ी सी बीटी हो गई एंड मेरा मूड थोड़ा ख़राब था. मैं अकेले ऊपर आ गई. मम्मा और ईशानी अभी भी नीचे हैं, वो आ रहे हैं. एंड पापा ही इज़ नॉट डूइंग द ट्रैक. तो हाँ जी क्या है ये किस लिए? नहीं नहीं आप रखो. नहीं थैंक यू.
एक बार पता क्या किया था ईशानी ने, मैंने नहीं, हमारे तेरी फ्रेंड हमारे स्कूल की, मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी वो। तो भाई ईशानी ने ये किया था कि मेरे को ट्रिप पे जाना था, मेरे पास फोन नहीं होता था और उसके पास होता था आईफोन 3GS, और मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को ट्रिप पे जाने में को अपना फोन दे दे, और ये इतना नाराज हुई हुई थी इस चीज से कि इसने मुझे अपना फोन दिया बट चार्जर नहीं दिया। और मैं छोटी थी तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। बट इसने उस फोन का क्या करा वहाँ पर, ये सब आपको पता चलेगा तो आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि मैंने क्यों नहीं दिया। मैंने ना उस लड़की को जाकर चांटा लगाया था, जो भी मेरे फोन को कुछ हो जाता बिना चार्जिंग के, फोन को इतना सब कुछ हो गया था, चार्ज होता तो पता नहीं क्या हो जाता। अभी तक हम लोगों ने एक से एक जगह एक्सप्लोर करी है, बट ये सनासर एक जगह है जहाँ हम आए थे, एंड दिस इज बेसिकली मसूरी का केम्प्टी फॉल्स, सारी भीड़ ही है। किसी की बुराई मत करो किसी जगह की, दिस इज सनासर एंड ये किसी जगह की ऐसे बुराई नहीं, पापा को बुरा लगा तो और क्या, उसने बोलो यहाँ वैसे रहो भाई। मैंने इतना ज्यादा डिस्कशन होता है ना यहाँ पे, एक लाइन अगर मैं बोल दूँ तो उसके ऊपर, इट्स गुड फॉर अ ड्राइव, इट्स गुड फॉर अ ड्राइव, तभी हम ट्रैफिक में फंसे हैं पापा। वो भी मैंने निकाल लिया, अभी तो देखना क्या होगा। बेसिकली जगह है बट यहाँ पे आने के लिए ट्रैफिक, आप तुम्हारे कांप रहे हैं, ट्रैफिक आप वापस आ गई थी, एंड हम लोग होकर आए थे सानासर एंड नाथू टॉप, दोनों ही बहुत अच्छी जगह थी। सानासर वॉज अ वेरी नाइस प्लेस बट बहुत क्राउडेड थी, मे बी बिकॉज सीजन है अभी, तो हम लोग ज़्यादा नीचे तक गए नहीं वहाँ, और हम वापस एंड बहुत मज़े आए। और उसके बाद मैं वापस आ गई, मतलब देन वी वर जस्ट चिलिंग इन द फ्रंट लॉन, तो अभी मैं बस वापस आई एंड अभी मेरे सारे मतलब घर वाले वो सब गए हुए हैं बाहर मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करने, और मैं अकेली हूँ। उसके बाद अभी कोई ऐसा सच प्लान नहीं है, एंड दैट्स इट, दिस इज रियली प्रीटी व्यू, वो भी रेड रूम सनसेट होने वाला है, आई जस्ट लव इट हियर एंड आई डोंट वांट टू कम बैक होम, बाय। कैंट में मैं कहीं हूँ तो मुझे मत डालना, नहीं तो मैं केस कर दूँगा। कौन सा केस करेंगे? इनको कमीशन दे दियो मैं। डेफामेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटीग्रिटी ऑफ अ पर्सन हु नीड्स, मुझे पता है कि मैंने क्या क्या बोल, और इसमें मैंने पिक्चर्स खिंचवाई है जैसे मैं कोई डिप्रेस लड़की हूँ जिसका किसी ने दिल तोड़ दिया। Now the trip comes to an end. मेरे को बिल्कुल भी घर जाने का मन नहीं है, ये जगह बहुत प्यारी, बहुत पीसफुल और बहुत ही ग्रीनरी वाली है। यहाँ पर हर जगह आस पास बस फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एंड आई जस्ट कॉन्ट गेट ओवर इट, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एंड नाउ दैट इट इज़ टाइम टू चेक आउट, मैं बहुत ही वियर्ड मूड में हूँ बिकॉज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। दैट्स इट, बस अभी निकल रहे हैं एंड होपफुली
इट्स द एंड ऑफ द व्लॉग नाउ, तो चलो ओके बाय, गुड चेक, बाय। जब हम आ रहे थे यहाँ पे तब इन लोगों ने हमें टाइम से लेट पहुँचाया, और अब हम जा रहे हैं तो इन लोगों ने टाइम से पहले पहुँचा दिया, तो हम लोग स्टेशन में बैठे। स्ट्रगल।